हेलो डियर स्टूडेंट्स वेरी वॉर्म वेलकम टू आर चैनल टुडे वी आर डूइंग दिस सेवेंटी चैप्टर ऑफ बायोलॉजी एड्स टू हेल्थ छोटा सा चैप्टर है बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है बट uh, इसको मैंने छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड किया पार्ट्स में डिवाइड करके मैं इसको कवर करने वाली हूँ एंड दिस इज द थर्ड चैप्टर ऑफ अ लास्ट यूनिट ऑफ बायोलॉजी नाउ इसमें सेलेबस आपको यहाँ दे रखा है देखिए Uh, इसमें क्या क्या आपको कवर करना है इट इज़ बेसिकली अबाउट इम्यूनिटी टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी कौन कौन सी इम्यूनिटी होती हैं वो हमारी बॉडी को कैसे हेल्प करती हैं एंड देन कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम यूज़ करते हैं जो कि आजकल कल हमारी जो मॉडर्न साइंस की गिफ्ट है टू ह्यूमन काइंड सो दोज थिंग्स लाइक वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन एंटीटॉक्सिन्स सीरम्स एंटीसेप्टिक्स डिसइनफेक्टेंस एंड एंटीबायोटिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दम एंड देन लोकल डिफेंस सिस्टम जो आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं क्या हम उसको कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं अपने डिफेंस सिस्टम को एंड डिफरेंस बिटवीन एंटी सेप्टिक्स एंटी एंड डिस इनफेक्टेंट्स ये बड़े इंपॉर्टेंट डिफरेंस यूजली पीपल डोंट नो अबाउट इट सो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर अब यहाँ पर हमने इसके पहले टाइप्स ऑफ इश्यूज हेल्थ इश्यूज पढ़ चुके हैं हम कि क्या क्या हेल्थ इश्यूज आते हैं हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है हेल्थ को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं डिफरेंस बिटवीन बीइंग हेल्दी एंड बीइंग डिजीज़ फ्री दोनों में बहुत डिफरेंस है तो ये सारी चीज़ें हम पहले कवर कर चुके हैं अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पर्सनल और कम्यूनिटी को दोनों को इन्वॉल्व करना है हमें ताकि हम भी हेल्दी रहें और हमारी सोसाइटी भी हेल्दी रहे तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें आ, ऐसे कुछ मीन्स ऐसे कुछ तरीके ऐसे कुछ मेथड्स के बारे में बताने वाले हैं हमें इस चैप्टर में सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट वी कैन मेंटेन आर इम्यूनिटी एंड वी कैन एन्हेंस आर इम्यूनिटी इम्यूनिटी को मेंटेन भी करें जो हमारी है और उसको अपग्रेड करें इन्हांस करें ठीक है जैसे आपके वर्जन होते हैं ना मोबाइल के ऐप के वर्जन होते हैं अपग्रेड करते हैं तो सिमिलरली विद आर इम्यूनिटी वी नीड टू अपग्रेड इंप्रूव आर इम्यूनिटी नाउ आह uh, needs to keep healthy. This we have studied आह uh, in very detail in earlier chapters that why do we need to keep healthy? kyunki health jo hai na आह it is a very very important concept of our life. इसके बिना आप life की कोई भी चीज enjoy नहीं कर सकते। अच्छा when आप अभी बहुत छोटे हैं क्योंकि मैं I am just talking about ninth class students who are watching this chapter and the syllabus is, syllabus pertains to them basically। तो आपकी जो एज है बिकॉज चिल्ड्रन आर यूजअली नॉर्मली हेल्दी अनलेस दे आर फेसिंग सम सीरियस डिजीज तो नॉर्मल चिल्ड्रन आर यूजअली हेल्दी तो बच्चे को ये एहसास नहीं होता कि हेल्थ की वैल्यू क्या है पेरेंट्स या मदर्स स्पेशली आपके पीछे पड़ जाते हैं कि भाई टाइमली यू हैव टू हैव मिल्क एंड ईट योर फूड एट टाइम्स यू हैव टू ईट योर फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ऑल दो थिंग्स तो स्टूडेंट्स डोंट रियलाइज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्दी हेल्थ एक ऐसी चीज़ है कि जब तक हम उसको लूज़ नहीं कर देते ना हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती तब तक हमें उसकी इंपॉर्टेंस का एहसास नहीं होता है सो एवरी इंडिविजुअल विशेज टू कीप हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री दिस रिक्वायर्स सेवरल थिंग्स कुछ पर्सनल लेवल पे हमें एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं और कुछ कम्युनिटी लेवल पे मतलब सोशली हमें कुछ एफर्ट्स होने चाहिए जो कि हम खुद भी करते हैं हमारी गवर्नमेंट भी करती है हमारे लिए ये सारी चीज़ें जो कि हमें हमारे एनवायरमेंट को हमें डिजीज फ्री रहने में हेल्प करती हैं पर्सनल लेवल पे हम अच्छे इस तरह से पर्सनल हाइजीन के बारे में पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में दैट पर्सनल लेवल पे आपको अपनी बॉडी की केयर करनी है बॉडी को क्लीन रखना है वॉशिंग बेदिंग ब्रशिंग योर टीथ फिजिकल एक्सरसाइज डाइट कंट्रोल एंड रेगुलर बाउल मूवमेंट प्रॉपर स्लीप रेस्ट ऑल दो थिंग्स वी हैव स्टडीड अबाउट इन डिटेल इन प्रीवियस चैप्टर्स कम्युनिटी लेवल में हमने क्या पढ़ा था कि सराउंडिंग्स शुड बी केप्ट क्लीन गाबेज का जो डी uh, गाबेज का जो डिस्पोजल है शुड बी प्रॉपर स्टेगनेंट वाटर नहीं होना चाहिए ताकि इंसेक्ट्स uh, जो डिजीज स्प्रेडिंग इंसेक्ट्स हैं जो मॉस्किटोज हैं वो वहाँ पर ब्रीड ना करें और पेस्ट को भी थ्राइव नहीं करने देना चाहिए मतलब यू शुड कीप अर सराउंडिंग्स वेरी क्लीन एंड डिजीज फ्री ताकि हम भी हेल्दी रहें और हमारी सोसाइटी भी हेल्दी रहे

आ, लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारी हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर हम हेल्दी हैं तभी हम सारे काम कर सकते हैं अगर हम हेल्दी नहीं हैं तो हम वो सारे काम नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं या जो हम कर सकते हैं वी आर केपेबल ऑफ सो मैनी थिंग्स बट हेल्थ अफेक्ट्स आर नॉर्मल लाइफ ना हेल्दी रहने के लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज़ ये हमने बहुत सुना है इम्यूनिटी वर्ड इम्यूनिटी आपने बहुत सुना होगा और आजकल जो कोविड सिचुएशन थी उसमें इम्यूनिटी के बारे में बहुत डिस्कशन हुआ कि इम्यूनिटी स्ट्रॉग होनी चाहिए सो दैट यू कैन ओवरकम सो मैनी डिजीजेज यू कैन ओवरकम एंड यू कैन प्रिवेंट आपकी बॉडी में वो इन्फेक्शन आएगा ही नहीं अगर आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग है तो इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो इम्यूनिटी क्या है एक्चुअली इम्यूनिटी हमारी बॉडी का नेचुरल या आर्टिफिशियल दोनों हो सकता है डिफेंस मैकेनिज्म है आर्टिफिशियल artificial मतलब आर्टिफिशियली हमने अपने आप को स्ट्रेंदन किया है एक नेचुरल इम्यूनिटी होती है एक हमें होती है जो हम अक्वायर uh, करते हैं तो हमारी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेज दैट इज योर आपकी बॉडी में कितनी ताकत है कितने स्ट्रांग है आपकी आपको बीमारी नहीं हो कोई जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि एक क्लास या क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कुछ स्टूडेंट्स को वेदर चेंज होते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं स्नीजिंग कॉफिंग फीवर वायरल फीवर होता है और कुछ स्टूडेंट्स को नहीं होता है है ना कुछ स्टूडेंट्स की हंड्रेड अटेंडेंस होती है पूरे ईयर वो एक भी दिन एबसेंट नहीं होते बिकॉज़ दे आर हेल्दी स्ट्रॉग डिजीज़ फ्री उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो जिस बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रोंग है वो बीमार नहीं पड़ता है ठीक है कभी कभी तो सभी बीमार हो सकते हैं क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म कभी ना कभी तो लोअर हो जाता है बट यूजुअली दे डोंट फॉल सिक सो इम्यूनिटी मींस बॉडी इज डिफेंस अगेंस्ट डिजीज या पैथोजेंस जो हमें डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी कितना ज्यादा फाइट कर लेती है दैट इज आर इम्यूनिटी हमारी बॉडी को इट इज ऑल टाइम इन्वेटेड बाई वेरियस हार्मफुल सब्सटेंसिस लाइक पोल्यूटेंट्स एंड जर्म्स हमारी बॉडी पे हर समय हजारों लाखों जर्म्स और केमिकल्स अटैक करते रहते हैं मतलब हमारा एनवायरनमेंट ना कभी भी जर्म फ्री नहीं है वी आर नॉट लिविंग इन एन एंटीसेप्टिक एनवायरनमेंट हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे जर्म्स हैं बहुत सारे पैथोजेंस हैं और वो हमारी बॉडी को अटैक भी करते रहते स्किन में बहुत सारे हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं अभी तभी तो जब न्यूली बॉर्न बेबी होता है ना तो वो सारे रिलेटिव उसको चाहते हैं कि बच्चे को गोदी में ले लें ले, उसको हक करें किस करें वन शूड डू बिकॉज हमारी बॉडी में बहुत सारे जर्म्स हैं हम कितना भी नहा धो के जाएँ क्लीन रखें अपने आप को बट स्टिल जर्म्स टू स्टिक टू आर स्किन एंड आर क्लोथ्स लेकिन वो जो बेबी है जो पैदा हुआ उसके अंदर तो अपनी नेचुरल इम्यूनिटी है बस वो अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है तो वी शुड टेक केयर कि वो हम उससे थोड़ा सा दूर रहें ऑल राइट तो अब ये जर्म्स और ये जो पैथोजें्स हैं ये हमारी बॉडी में बहुत सारी तरीके से एंटर कर सकते हैं जो मेन फॉलोइंग फोर वेज हैं वो क्या हैं एक तो डायरेक्टली थ्रू द स्किन आपकी स्किन की जो एपिडामिस की लेयर है उसको पेंट्रेट करके वो जर्म्स डायरेक्टली आपकी स्किन में एंटर कर सकते हैं देन थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ आइज नोज यूरिनरी और जेनाइटल ट्रैक्स हमारी जो ओपनिंग्स हैं बॉडी की उनकी जो मेम्ब्रेन होती है म्यूकस मेम्ब्रेन उसमें वो पेलीट्रेट कर जाते हैं और उसके थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं देन थ्रू फूड और वाटर इंटेक जो भी आप खाना पीना खा रहे हैं उसके थ्रू जर्म्स जाते हैं एंड लास्टली थ्रू द एयर एयर इज ऑल अराउंडस एयर में बहुत सारे जर्म्स हैं पैथोजें्स हैं हम एयर को ब्रीदिंग करते हैं सांस लेते हैं तो दोज पैथोजेंस एंटर आ बॉडी तो ये दीज आर द फोर बेसिक वेज थ्रू विच पैथोजेंस और द पोल्यूटेंट्स और द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स दे एंटर आ बॉडी अब जब ये हमारी बॉडी में एंटर कर गए हैं तो हम हमेशा ऐसा नहीं है रोज़ रोज, -रोज बीमार नहीं पड़ते हैं हम कभी कभी बीमार होते हैं कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप बॉडी अब सब ये सब एंटर करके गए तो हमारी बॉडी क्या करती है इट फर्स्ट टेंट्स टू प्रिवेंट देयर एंट्री इनटू द बॉडी सबसे पहले बॉडी क्या सोचती है कि इनको बॉडी में घुसने ही ना दिया जाए प्रिवेंट एंट्री को प्रिवेंट करो गेट बंद कर दो घुसने ही नहीं दो और फिर वो आ जाए अगर बाई चांस वो घुस भी जाते हैं तो फिर उसके अगेंस्ट फाइट करो ब्लड uh, में ही मतलब वहीं पे फ़ाइट हो जाती है और उसके बाद भी नहीं अगर रुक पाते हैं वो हमारे जो डब्ल्यू बी सीज हैं जो कि हमारे सोल्जर्स बॉडी हैं अगर वो नहीं फ़ाइट कर पाते उनसे फिर वो जो इन्फेक्टेंस हैं वो हमारे एक पर्टिकुलर ऑर्गन में एंटर कर जाते हैं वहाँ पे डिजीज़ कॉज करते हैं तो ये लेवल्स हैं डिफेंस हमारे मेकानिज़म के जैसे सिक्योरिटी लेवल्स होते हैं ना ये हमारे लेवल्स हैं तो फर्स्ट हमारी बॉडी उसको एंटर ही नहीं करने देती और इफ़ समहाउ दूसरी सेकंड स्टेप क्या है इफ़ समहाउ दे डू एंटर आर बॉडी फाइट्स विद देम सो दैट दे कॉज नो हार्म दे आर रेंडर्ड हार्मलेस उनको बिल्कुल ही आ, आ, क्या कहें कि उनकी स्ट्रेंथ खत्म कर देते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं रेंडर्ड हार्मलेस मतलब उनको बिल्कुल ही डिफेंसलेस कर देते हैं कि अब वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते तो ये हमारी सेकेंड लेयर है डिफेंस मैकेनिज्म की देन अब ये दो लेयर में वर्क कर रहा है वो क्या है एक है लोकल डिफेंस सिस्टम मतलब कि एंड जर्म्स को एंटर ही ना होने दो बॉडी में ये लोकल डिफेंस सिस्टम हो गया सेकेंड हो गया हमारा इम्यून सिस्टम कि जब वो एंटर कर गए हैं उसके बाद उसको फाइट करो और वहाँ पे किल कर दो ऑर्गन्स में एंटर ना करने दो अब पहले वाले की बात करें लोकल डिफेंस सिस्टम क्या इट्स अ काइंड ऑफ बैरियर सिस्टम विच टैकल्स द जर्म्स एट द पॉसिबल एंट्री पॉइंट्स ये एक ऐसा बैरियर है कि जब जर्म्स हमारी बॉडी में जिस जिस दरवाजे से जैसे आपके घर में जितने दरवाजे आप सब पे गार्ड करोगे अगर कोई आने वाला है तो है ना कि उसकी एंट्री को प्रिवेंट करना है, तो सिमिलरली हमारी बॉडी में जितने जितने एंट्री पॉइंट्स हैं जहां से जर्म्स एंटर कर सकते हैं वहाँ पे ये टैकल करता है उनको अब कौन कौन से हैं इट प्रोटेक्टिव मकैनियल मैकेनिकल बैरियर्स अभी हम इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे प्रो न आउट ऑफ एंटर्ड अगर घुस भी जाएँ तो उनको बाहर निकाल के फेंक दू तो गेट क्रैशर्स हो गए वो जर्म किलिंग सिक्रीशंस हमारी बॉडी सिक्रिएट करती है ऐसे सिक्रीशन जिससे वो जर्म्स किल हो जाएं या फिर जर्म फाइटिंग डब्ल्यू भी हैं हमारे पास तो ये सारे जो हमारी ये सिस्टम uh, है डिफेंस लेवल्स हैं जो कि एंट्री पर ही रोक देते हैं जर्म्स को या एंट्री होने के बाद भी किल करते हैं दूसरा है इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम क्या करता है कि जब वो आ गए अब ये जो हमारे फर्स्ट लेवल्स से प्रोटेक्शन uh, के इनको क्रॉस करके जर्म सपोज आगे बढ़े स्ट्रॉन्ग जर्म्स हैं वो अंदर आ गए तो अब हमारा जो इम्यून सिस्टम है जो हमारे डब्ल्यू बी सीज़ हैं लिम्फोसाइट्स जो है वो फाइट uh, करते हैं ल्यूकोसाइट्स है ना और उस डब्ल्यू बी सीज की भी टाइप्स होते हैं वो आप अभी पढ़ोगे तो वो सारे फाइट करते हैं फिर uh, उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट उस माइक्रोब के अगेंस्ट जो हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है और बीमारी कॉज कर सकता है अब हम यहाँ पे पहले लोकल डिफेंस सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे कि लोकल डिफेंस सिस्टम क्या होता है लोकल डिफेंस सिस्टम में प्रोटेक्टिव मैकेनिकल बैरियर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसमें क्या आ रहे हैं स्किन हेयर म्यूकस एटसेट्रा स्किन अब जो हमारी जो स्किन है जो ये आउटर मोस्ट लेयर है आपकी बॉडी की है ना स्किन ही तो कॉन्टैक्ट में रहती है इन्वायरमेंट की दैट इज दी आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव टफ कवरिंग है ना स्किन के आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है कि अपर ले आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस फिर अंदर डर्मिस होती है उसकी भी वेरियस लेयर्स हैं उनके फंक्शंस हैं यू रेड अबाउट दोज तो स्किन जो है इट इज़ एन आउटर टफ लेयर मेड ऑफ प्रोटीन केराटिन अभी केराटिन कहाँ होता है हमारी जो एपिडर्मिस है उसकी जो फर्स्ट लेयर है आपको नाम याद है उसका दैट वॉज स्ट्रेटम कॉर्नियम उसमें ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है केराटिन एंड इट इज ऑलमोस्ट इम्पर्मिएबल टू जर्म्स ये वाली जो लेयर है इसमें केराटिन प्रोटीन है डेड डेड सेल्स होते हैं ये और बड़ा टफ प्रोटीन है ये ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं जर्म्स को एंटर ही नहीं करने देता एट एनी गिविन टाइम देर आर लॉर्ड्स ऑफ जर्म सेटल्ड ऑन द आउटर सर्विस ऑफ द स्किन विच कम विच हैव कम थ्रू द एयर और थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स ये कह रहे हैं किसी भी समय हम आप अपनी स्किन को चेक करें अगर एक हाई माइक्रोस्कोप के अंडर तो हर समय हमारी स्किन पे बहुत बहुत सारे जर्म्स रहते हैं जो कि हमारी स्किन पे कैसे आते हैं या तो हम किसी से पर्सनल किसी से कांटेक्ट करते हैं या इन्वायरमेंट के कांटेक्ट के थ्रू या फिर हम किसी कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हर केस में बहुत सारे जर्म्स हमारी स्किन पर सेटल रहते हैं हमेशा एट एनी गिवन टाइम मतलब कभी भी आप चेक कर सकते हैं एनी टाइम इवन अ हैंडशेक और अ केस ऑन द चीक्स ऑफ अ बेबी ट्रांसफर्स जर्म्स फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू आपको बच्चा बहुत प्यारा लग रहा है आप उसको किस करो लेकिन आप उसको जर्म्स दे रहे हो इन्फेक्शन दे रहे हो बे बेबी हैज़ लो इम्यूनिटी कि वो अभी इस दुनिया में आया है उसकी अपनी इम्यूनिटी तो है लेकिन अभी भी उसकी इम्यूनिटी बढ़ रही है, है ना डेवलप हो रही है तो अब बेबी शुड बी केयर्ड फॉर वेरी आ, क्या कहना चाहिए बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए यू शूडेंट अलाउ दिनी बॉडी टू टच योर बेबी ब्रदर और सिस्टर और एनी एनी चाइल्ड इन योर फैमिली ओके देन वॉशिंग विथ सोप एंड वाटर रिमूव द जर्म्स हम साबुन और पानी से जो हाथ धोते हैं उससे जर्म्स रिमूव हो जाते हैं अपर सर्फेस के अगर हमारी स्किन में कोई कट है वूंड है तो उसको डिसइनफेक्ट करना क्यों जरूरी होता है क्योंकि उस ओपनिंग से जर्म्स आपकी ब्लड स्किन के अंदर एंटर कर जाते हैं बॉडी के अंदर उन्हें एंट्री मिल गई तो स्क्रैच या कट जो है इट ओपन्स द वे फॉर जर्म्स टू गेट इन शुड देअर बी एनी कट इन द स्किन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड प्लक्स दी कट एंड ऑफ ब्लड वेसल्स एट द वड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ जर्म्स अभी क्या कह रहे हैं कि अगर कट लग भी जाता है स्किन में तो वहाँ पर क्या होता है क्लॉटिंग हो जाती है थोड़ा सा ब्लड निकलता है क्लॉट हो जाता है ब्लड क्लॉट बन जाता है ना तो वो क्या है दैट इज़ ऑल्सो प्रिवेंटिव मैकेानिज्म कि हाँ भाई हमारा गेट खुल गया था लेकिन हमने वापस उसको बंद कर दिया ब्लॉक कर दिया अब दोबारा से इसमें जर्म्स एंटर नहीं कर पाएंगे तो वो भी जो क्लॉटिंग है दैट इज ऑल्सो प्रिवेंटिव मैकेानिज्म नाउ हम बात करें हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट हेडिंग है हमारी हेयर हेयर जो है दे ऑल्सो इंटरसेप्ट द जर्म्स जर्नी इनवर्ड्स और अप टू द स्किन हमारे नॉस्ट्रल्स में uh, हेयर होते हैं ईयर uh, में भी थोड़े बहुत होते हैं तो दे ट्रैप द जर्म्स एंड दे डू नॉट लेट देम एंटर दी इनसाइड जो आपकी मेमब्रेंस हैं या जो लेयर्स हैं अंदर नहीं एंटर करने देते जो उसकी डक्ट है, है ना और वहीं पे जर्म्स को ट्रैक करती है स्पेशली नॉस्ट्रल्स देन म्यूकस म्यूकस इज अ स्लाइमी सिक्रीशन ऑफ द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स म्यूकस की जो सिक्रीशन होता है ना स्लाइमी जो सिक्रीशन होता है वो भी जॉर्म्स को ट्रैप करता है नेजल पैसेज में है ना म्यूकस हमारे यहाँ होता है विंड पाइप में होता है दे ट्रैप मैनी बैक्टीरिया प्रिवेंट द एंट्री इंटू द बॉडी टिश्यूज़ तो इसमें भी बैक्टीरिया ट्रैप हो जाते हैं वो अंदर नहीं जा पाते हैं और हमारे बॉडी टिश्यूज़ सेफ रहते हैं देन विंड पाइप जो आपका ट्रैकिया है उसके अंदर सिलिया होते हैं दे ऑल्सो थ्रो आउट दी बैक्टीरिया ट्रैप्ड इन द न्यूकस दे हेल्प इन गेट क्रैशेस को बाहर निकाल देते हैं अब बात हो रही है थ्रो आउट इफ एंटर्ड अगर फिर भी एंटर कर गए तो फिर उनके साथ क्या होगा दे हैव टू बी थ्रो आउट बॉडी से बाहर निकालना ही निकालना है दे आर वेरी हार्मफुल तो कॉफिंग स्नीजिंग vomiting ये डायरेक्ट मेथड्स हैं कि आपको कुछ चला जाता है तो खांस खांस के बाहर निकाल देते हो छींक आ जाती है नाक में कुछ चला जाता है ना देन वॉमिटिंग इज ऑल्सो अनदर मेथड दैट वी कैन थ्रो एनी फॉरन अनवॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स विच गेट इन टू द रेस्परेटरी एंड डायजेस्टिव सिस्टम्स इवन डायरिया जो लूज मोशंस होते हैं दे ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट द जर्म्स अगर हमारे डायजेस्टिव ट्रैक्ट में ये ट्रैक लिखा है इट शुड बी ट्रैक्ट है ना उसमें अगर कोई इन्फेक्शन है तभी वो रिमूव हो जाता है लूज मोशंस के थ्रू डायरिया के थ्रू तो वी हैव जर्म किलिंग सिक्रीशंस ऑल्सो सॉरी हमारी बॉडी में कुछ जर्म किलिंग सीक्रीशंस भी हैं वो क्या हैं जो कि हमारी बॉडी सीक्रीट करती है वेरियस ऑर्गन्स के थ्रू और वो जर्म्स को किल करते हैं फर्स्ट इज सलाइवा देन स्वेट टीयर्स नेजल सिक्रीशंस दे ऑल कंटेनिंग जर्म दे ऑल कंटेन जर्म किलिंग सब्सटेंस एंड दे आर बेसिकली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट बाय द स्टमक किल्स जर्म्स दैट गेन एंट्री अलोंग विद द फूड एच सी एल होता है आपके स्टमक में जिसकी पी एच हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में कि उसकी पी एच कितनी होती है अराउंड टू टू पॉइंट वन टू पॉइंट टू एक्चुअली रेंज होती है वन पॉइंट एट टू टू पॉइंट टू है ना ये बहुत लो पी एच है मतलब बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये भी फूड के साथ जो जर्म्स हैं उनको किल कर देता है इसके बाद क्या है हमारे जर्म फाइटिंग डब्ल्यू बी सीज है जर्म फाइटिंग हमारे सोल्जर्स ऑफ द बॉडी जिसको हम कहते हैं डब्ल्यू बी सीज व्हाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कॉप ये क्या है कि दे एक्ट एज फेगोसाइट्स फेगोसाइट्स क्या होते हैं जो कि इनगल्फ करते खा जाते हैं किसी भी फॉरेन इन्वेजन को फॉरेन कोई भी सेल आता है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो दे आर रेडी टू फाइट दे स्क्वीज आउट ऑफ द वॉल्स ऑफ द ब्लड कैपिलरीज बाय डाइपेटिस ये जो मेथड है जिसके थ्रू डब्ल्यू बी सी ब्लड कैपिलरी से बाहर निकल जाते हैं उस प्रोसेस को डायपेडेसिस कहते हैं ठीक है जैसे सपोज ये आपकी ब्लड कैपिलरी है इसके अंदर ये डब्लू बी सी है ये डब्लू बी सी यहाँ से इसको बाहर निकल जाता है यहाँ पहुँच जाता है एनगल्फ करने के लिए जो भी फॉरन सब्सटेंस है तो द मेथड द मूवमेंट ऑफ डब्ल्यू बी सी आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरी इज़ नोन एज डायपेडेसिस इस प्रोसेस को डायपेडेसिस कहते हैं टेंथ क्लास में आप डिटेल में पढ़ेंगे एंड ये इसके बाद ये बाहर जाते हैं अमीबॉइड सेल होता है सपोज़ ये आपका ये ग्रीन वाला फॉरेन इन्फेक्शन है तो ये अमी ये क्या करता है डब्लू अमीबा की तरह उसके चारों ओर ऐसे अपने आ, जो इसके देखो इस तरीके से ये एनगल्फ कर लेता है अमीबा की तरह और उस फॉरेन बॉडी को अपने अंदर ले लेता है और उसको अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय कर देता है सो दैट प्रोसेस इज़ नोन एज़ फेगोसाइटोसिस ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू ये एनगल्फ कर रहा है फॉरेन बॉडी को बैक्टीरिया को इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फैगोसाइटोसिस ठीक है तो इट एनगल्फ दी बैक्टीरिया और द जर्म्स एंड डिस्ट्रॉयज देम जैसे अमीबा आपने सूडोबोडिया को ला के ऐसे एनगल्फ कर लेते हैं ना पूरा एक फूड वैकअल बना लेता है सिमिलरली डब्लू बी सी भी अमीबॉइड सेल होते हैं और ये इस तरीके से फॉरन पार्टिकल को एनगल्फ कर लेते हैं अपने सूडोबोडिया के थ्रू और फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और डिस्ट्रक्शन के बाद जो जो बनता है जो मटीरियल बनता है दैट इज नोन एज पस स होता है ना क्रीमी कलर का जब आपके कोई वूंड होता है उसमें से पस निकलता है दैट इज दी डेड बॉडीज ऑफ डब्ल्यू बीसीज एंड दी फॉरन इन्फेक्शन जो भी आया है हमारी बॉडी में वो जो जर्म्स किल किए हैं डब्ल्यू बी सीज ने वो भी हमारे पस की फॉर्म में बाहर निकलते हैं तो पस इन अ वूंड फॉर एग्जाम्पल इज अ मिक्सचर ऑफ डिस्ट्रॉयड जर्म्स किल्ड डब्ल्यू बीसीज एंड डैमेज टिश्यूज सबका मिक्सचर जो है दैट इज पस अब लोकल डिफेंस सिस्टम के मेरिट्स क्या हैं फायदे क्या हैं लोकल डिफेंस सिस्टम जो है उसके फायदे क्या हैं कि जैसे इंफेक्शन आया वो वेट नहीं करते दे स्टार्ट दे टेक एक्शन इमीजिएटली दे स्टार्ट वर्किंग इंस्टेंटेन ऐसे नहीं कि कोई आपको ऑर्डर मिलेगा तब वो काम करेंगे नहीं फटाफट वो शुरू कर देते हैं अपना काम दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रीवियस एक्सपोजर टू इन्फेक्शन दूसरी चीज क्या है कि कुछ हमारे सेल्स ऐसे होते हैं जो कि एक बॉडी के अगेंस्ट जब एक किसी फॉरन बॉडी के अगेंस्ट लड़ लेते हैं ना तो उसका पूरा डेटा अपने पास स्टोर कर लेते हैं कि अब दोबारा से इन्फेक्शन आएगा तो हमें इस तरीके से लड़ना है तो मतलब दे रिकॉल मेमोरी में उनकी होता है उसको रिकॉल करते हैं उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हाँ है इस तरीके से फाइट करना है इस फॉरेन इन्वेजन से लेकिन हमारा जो लोकल डिफेंस सिस्टम है उसको क्या है कि वो उसको इतना सोचने का उसके पास टाइम नहीं है जब भी जो भी फॉरेन इन्वेजन आया एक्सटर्नल कोई भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रही है तो फटाफट उसी समय एक्ट करना शुरू कर देते हैं दे डू नॉट दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस डेटा कि पहले हमें ये इन्फेक्शन की ये हमें पहले इन्फेक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था इसको किस तरीके से लड़ना है सोचें ऐसा कोई इनको प्रीवियस डेटा नहीं चाहिए ये अपने आप एक्शन लेते हैं और इनको जो करना है वो करना शुरू कर देते हैं देन दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ पोटेंशली इन्फेक्शियस एजेंट्स बहुत सारे पोटेंशियल इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं उनके अगेंस्ट ये फाइट कर सकते हैं लोकल डिफेंस सिस्टम तो लोकल डिफेंस सिस्टम हमारा एक बहुत बड़ा सेफ गार्ड है जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है ये देखो ये डायबिटिस दे रखे कि कैपलरी वॉल से ये आपकी जो ए है ना ये आपकी क्या हो गई वो है कैपिलरी है कैपिलरी की वॉल से देखो अमीबा निकल गया इस तरीके से अमीबा नहीं सॉरी डब्ल्यू बी सी निकल गया और यहाँ पे इसने बैक्टीरिया को देखो एनगल्फ कर लिया है ना सूडोपोडिया बना के अपने ये इसके सूडोपोडिया हो गए और इनको लेके इसने यहाँ पे एनगल्फ कर लिया सो दिस इज़ नोन एज फेगोसाइटोसिस ये जो मूवमेंट है ये कैपिलरी वॉल से जो निकल रहा है दिस इज़ नोन एज डायपेडेसिस ठीक है इस मूवमेंट को डायपेडेसिस कहते हैं और जो एनगल्फ कर लिया है इसने बैक्टीरिया को देखो इसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस ठीक है ये आप टेंथ क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे बड़े दोनों इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये अब देखो यहाँ पे पिक्चर देखो यहाँ पे नॉर्मल डब्लू बी डब्ल्यू बी सी दे रखा है ये है और जो पार्टिकल को एनगल्फ कर रहा है डब्ल्यू बी सी ने अपनी शेप चेंज कर दी सूडोपोडिया निकाली देखिए इसकी सूडोपोडिया ये ठीक है ओके okay, यहाँ पे एक नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इम्यून सिस्टम अब इम्यून सिस्टम क्या है हमारा कि लोकल डिफेंस सिस्टम अब लोकल डिफेंस सिस्टम को क्रॉस करके जो फॉरेन पार्टिकल था जो इन्फेक्टिंग पार्टिकल था हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया अब हमारा इम्यून सिस्टम काम करेगा तो लोकल इम्यून सिस्टम आर नॉट इफेक्टिव इन ऑल केसेस एंड सर्कमस्टांसिस कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि इतने स्ट्रॉन्ग हैं जो कि कुछ पॉइजन्स रिलीज करते हैं टॉक्सिंस रिलीज करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर घुस जाते हैं हमारे डब हमारे डब्ल्यू को किल करके हमारे जो फर्स्ट डिफेंस सिस्टम है जो फर्स्ट बैरियर है उसको किल करके फायर वॉल्स होती है ना जैसे किसी प्रोग्राम में होती है किसी गेम में होती है तो फायर वॉल्स को किल करके हमारी फर्स्ट फायर वॉल को किल करके एंटर कर गए अब क्या होगा तो अब हमारा इम्यून सिस्टम काम करेगा तो सर्टन माइक्रोब्स एंड जर्म्स और द पॉइजन सिक्रीशंस पॉइजन सिक्रीशंस क्या है उनकी टेक्निकल टर्म क्या है टॉक्सेंस ठीक है टॉक्सन्स मतलब पॉइजनस सिक्रीशंस मीन्स एनी हार्मफुल केमिकल सो दे डू एंटर द डीपर टिश्यूज एंड वेरियस ऑर्गन सिस्टम बाय द स्पेशल मैकेजम्स ऑफ एंट्री और थ्रू एनी ब्रीचेज इन द प्रोटेक्टिव बैरियर अब हमारी फायर वॉल में कोई ब्रीच आ गया तो हमारे जो हमारे जो अटैकर्स हैं वो एंटर कर जाते हैं हमारी बॉडी में अब इस स्टेज पे अब ब्लड और हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो अपना एक्शन सेकेंड फायर वॉल एक्टिव हो गया अब वो अपना एक्शन शुरू करते हैं तो द ब्लड एंड द अदर बॉडी फ्लूड स्टार्ट फाइटिंग जर्म्स और एनी अदर अनएक्सेप्टेबल फॉरन सब्सटेंस हमारी बॉडी को ये नहीं पता कि क्या है ये जो भी हमारी बॉडी से अलग है बाहर का है फॉरेन सब्सटेंस उसको एक्सेप्ट नहीं करते तभी तो आपने आपने देखा होगा कि कई बार आपने केसेस सुने होंगे कि जब ऑर्गन डोनेशन होती है किसी पेशेंट को किसी और दूसरे पेशेंट का ऑर्गन इम्प्लांट किया जाता है ना नया ऑर्गन लगाया जाता है किसी डोनर का तो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती रिजेक्ट कर देती तो फर्स्ट कुछ आर्ट्स जो होते हैं बड़े क्रूशियल होते हैं क्योंकि बॉडी हमारी अपनी बॉडी का डिफेंस सिस्टम ना एक्टिवेट हो जाता है वो उस ऑर्गन को भी एक फॉरन बॉडी की तरह ले रहा है फॉरन सब्सटेंस की तरह ले रहा है एंड इट ट्रीट्स दैट पर्टिकुलर ऑर्गन जो कि एक्चुअली बॉडी के लिए फायदेमंद है लेकिन वो जो हमारे डिफेंस सिस्टम के जो मैकेनिज़म्स हैं वो उस ऑर्गन को एक फॉरेन इन्वेजन की तरह लेते हैं तो दे स्टार्ट फाइटिंग अगेंस्ट इट तो कई बार ये जो ऑर्गन्स जो इम्प्लांट होते हैं उनमें तो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आती है क्योंकि बॉडी रिजेक्ट कर देती है एक्सटर्नल चीज़ को ऐसी जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उसमें भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं नाउ द बॉडी फ्लूड्स कंटेंस स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज विच रिएक्ट विद इन्वेडिंग जर्म्स एंड एंटीटॉक्सें विच रिएक्ट विद द पॉइजन टू डिस्ट्रॉय दैम एंड दस दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज दैट इज इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं अब ये क्या कह रहे हैं कि हमारे बॉडी फ्लूड्स जो हैं उनमें कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज ठीक है ब्लड में होती हैं एंटीबॉडीज जो कि एंड इन्वेडिंग जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करती है और हमारे पास एंटी भी होते हैं एक और तरह के केमिकल्स होते हैं जो कि एंटीटॉक्सिन होते हैं जो कि जर्म के टॉक्सिन है उसको किल करते हैं न्यूट्रलाइज करते हैं डिस्ट्रॉय करते हैं तो ये जो है हमारी बॉडी को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट डिजीज एंड दैट इज नोन एज इम्यूनिटी ठीक है तो इम्यूनिटी की अगर हम एक और डेफिनेशन देखें तो क्या हो जाएगी इम्यूनिटी इज द रेजिस्टेंस टू ऑनसेट ऑफ अ डिजीज आफ्टर इन्फेक्शन बाय हार्मफुल जर्म्स मतलब इम्यूनिटी क्या है कि आपके बॉडी में जर्म्स आ गए हैं जर्म्स एंटर कर चुके हैं अब उनको आपको यू हैव टू रेंडर देम हार्मलेस रेंडरिंग देम हार्मलेस मतलब उनको डिस्ट्रॉय करना ठीक है रेंडर देम हार्मलेस मतलब उनको इनफेक्टिव बना दीजिए आप ताकि वो हमें नुकसान ना पहुंचा पाए ठीक है सो वी हैव टू रेंडर देम हार्मलेस सो इम्यूनिटी इज द रेजिस्टेंस टू द डिजीज आफ्टर इन्फेक्शन बाय हार्मफुल जर्म्स बॉडी में जर्म्स आ गए हैं अब वो डिजीज कॉज ना कर पाए तो इम्यूनिटी हमारी फंक्शनल हो जाती है काम करती है उनको डिस्ट्रॉय करती है एक और जो डेफिनेशन इम्यूनिटी की वो क्या हो सकती है इम्यूनिटी इज दी कपेसिटी ऑफ अर बॉडी टू डील विद फॉरेन सब्सटेंसेज हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ हम कितने केपेबल हैं फॉरन इन्वेजन से डील करने के लिए एग्जाम्पल बैक्टीरिया वायरसेज टॉक्सेंस एक्सेट्रा दैट एंटर आर बॉडी एंड टू रेंडर एम हार्मलेस एक और डेफिनेशन क्या हो सकती है कि इट इज कैपेसिटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ अवर बॉडी टू डील विद फॉरेन सब्सटेंसेस दैट इज बैक्टीरिया वायरसेज टॉक्सिन्स वॉरन सब्सटेंस दैट माइट एंटर योर बॉडी एंड दे हैव टू वन देन दे है बॉडी वी हैव टू रेंडर दैम हार्मलेस दैट इज द फंक्शन ऑफ आर इम्यूनिटी सो एक और बहुत सिंपल जिसकी बहुत सिंपल लैंग्वेज हम बोल तो इट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज कॉज जर्म्स कोई भी डिजीज कॉजिंग जॉर्म्स है उसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करें दैट इज़ आर इम्यूनिटी वो हमारी इम्यूनिटी का काम है तो ये हमारा इम्यून सिस्टम की एक बेसिक गाइडलाइन है और इम्यूनिटी क्या है ये आपने पढ़ा अब टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे बिकॉज इट वुड बिकम टू लेंदी और टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी थोड़ा सा ये जो दे रखा है ना चार्ट दे रखा है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्योंकि ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं इन और एक्वायर्ड में तो आई एल ट्राई टू एक्सप्लेन इट्स इन सच अ मैनर कि आपको ये याद हो जाए पढ़ते है, पढ़ते ही मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप लेक्चर्स में इस तरीके से बना रही हूँ कि आप एक बार देख लेंगे तो आपको इसको समझ में आ जाएगा फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी है ना तो आप पढ़ते रहिए कोई इशू हो तो हमें बताइए एंड डोंट गेट टू सब्सक्राइब आर चैनल ठीक है लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए एंड एन्जॉय योर स्टडीज़ चलो टेक केयर फिर मिलेंगे